वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। अरे एक की बेइज्जती सबकी बेइज्जती। लाठी डंडे निकाल लिए गए, मुंह से गालियां निकलने लगी, एक दूसरे को दौड़ाया जाने लगा। जहां मीटिंग चलनी थी वहीं पर भगदड़ मच गई। यह हाल है समाजवादी पार्टी की मीटिंग का, जहां चुनाव की गर्मी इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे पर ही उतारने के लिए कार्यकर्ता उतारू हो गए और देखते ही देखते मीटिंग का मंच अखाड़ा बन गया। अरे एक की बेइज्जती सबकी बेइज्जती। तस्वीरें हैं कृष्णा नगर मथुरा की। एक तरफ तो अखिलेश यादव कहते हैं कि कृष्ण भगवान उनके सपने में आते हैं, तो दूसरी तरफ कृष्ण नगरी में ही उनके कार्यकर्ता एक दूसरे को गरियाते हुए नजर आते हैं। अरे एक की बेइज्जती सबकी बेइज्जती। दंगल का मैदान बन चुका यह चुनावी अखाड़ा मथुरा का है, जहां 10 फरवरी को चुनाव होना है, इसलिए कार्यकर्ता जोश में हैं और यह जोश सपा को मुश्किल में डाल सकता है। दरअसल बुधवार को समाजवादी पार्टी के ऑफिस में दो गुटों में बवाल मच गया, यहां तक कि लाठी डंडे तक निकल गए। मथुरा के कृष्णनगर क्षेत्र के पुलिस चौकी के सामने एक स्थानीय होटल में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर कार्यक्रम चल रहा था। विश्वकर्मा समाज को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, सैकड़ों लोग आए हुए थे। वहीं इस बैठक में सपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता राम आश्रय भी मौजूद थे। तभी वहां उपस्थित समर्थकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों गुट लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। एक गुट ने दूसरे गुट को बाहर तक खदेड़ना शुरू कर दिया, यहां तक कि रिकॉर्डिंग बंद करने की धमकी दी जाने लगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ आचार संहिता लगी हुई है और प्रत्याशियों द्वारा लगातार आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, वहीं प्रशासन क्यों शांत है। कमाल है कि पुलिस की चौकी के सामने ही ये घटना हुई है पर कोई एक्शन नहीं। खैर चुनाव से ठीक पहले की यह कलह कहीं साइकिल में कील बनकर ना चुभ जाए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।